हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वंस अगेन वेलकम बैक इन योर ओन चैनल टॉप 10 क्लासेस एंड यू आर सीइंग योर ओन टीचर्स आशीष सर। ठीक है, आप लोगों को दोपहर का ढेर सारा नमस्कार। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टॉप 10 क्लासेस और मैं हूं आपका आशीष सर। तो गाइस, हम लोगों ने बात किया था पास्ट टेंस का। पास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और दो ही सेंटेंसेस पढ़े थे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब तो हमने आपको पहले ही बताया था, जो काम पूरा हो चुका हो। परफेक्ट मतलब पूर्ण। अगर कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य का समापन हो चुका है और उससे ये प्रकट हो रहा है कि काम हो गया है, तो वहीं पे हम क्या करते हैं, परफेक्ट का यूज करते हैं। तो काम तीन स्थिति में पूरा होता है, या तो आने वाला समय होगा उसमें पूरा होगा, या तो बीता हुआ समय है उसमें पूरा होगा, या तो जो चल रहा है उसमें काम पूरा हो चुका होगा। तो हम लोग क्या है, जो चल रहा है उसको तो निपटा चुके हैं, उसे समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं आप लोगों को। आज बारी किसकी है, जो भूतकाल में हुआ। मान लीजिए जो काम कल आपने किया था, आज हम उसका वर्णन करने जा रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, कल की बातों का बात करने वाले हैं, जो काम पूरा हो चुका है, या आज ही थोड़े समय पहले जो काम निपटा चुके हैं, खत्म हो चुका है, अगर उसकी बात की जाएगी तो हम पास्ट में बताएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, नाउ गाइड माइंड अबाउट दिस, व्हेन, चुका था, लिया था, गया था। क्या, when, चुका था, लिया था, गया था, these type of word will come in the last of verb, then we shall know it is past perfect tense। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, लिया था, गया था, इस तरह के शब्द आते हैं, उसे हम past perfect tense का समझते हैं। Is that clear? Are you sure? Just reply it. Are you sure? ओके, तो क्या हो जाता है कि व्हेन, चुका था, लिया था, गया था, दिस टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब, देन वी शैल नो इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, लिया था, गया था, दिया था, पाया था, खाया था, इस तरह के शब्द लगे रहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का समझते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है गाइस, संरचना। संरचना मतलब अनुवाद बनाने का नियम, तरीका, कैसे टेंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। टेंस बनाने के लिए अगर हमें फॉर्मूला पता हो कि हम किस तरह से स्टेप वाइज वर्ड को रीऑर्डर करें, तो हमारा सेंटेंस सही सेंस देने लगेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर में पहला ऑप्शन क्या होता है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव का कंस्ट्रक्शन क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईडीसी। नाउ नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आते हैं हम लोग एग्जांपल पे। जैसे मान लीजिए वह मुझे बेल खिला चुका था, ओके गाइस, वह मुझे बेल खिला चुका था, तो कौन खिलाया था, वह की इंग्लिश क्या होती है गाइस, ही। अब चुका था मतलब परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, हैड, क्या हो जाएगा, हैड हो गया, तो खिलाया, खिलाने की इंग्लिश, खाने की इंग्लिश तो ईट होती है, तो खिलाने की इंग्लिश क्या होती है, फीड होती है, क्या होती है, फीड, और फीड का सेकेंड फॉर्म फेड होता है, ही हैड फेड, किसको, मी, ही हैड फेड मी, क्या खिलाया भैया, बेल, बेल की इंग्लिश स्टोन एप्पल, स्टोन एप्पल। जैसे वे बाजार में मदिरा नहीं पिए थे, ठीक है, वे बाजार में मदिरा नहीं पिए थे। नाउ जस्ट माइंड अबाउट दैट, कौन नहीं पिया था, वे नहीं पिए थे, तो वे नहीं पिए थे, वे की इंग्लिश दे, वेरी गुड, वे की इंग्लिश क्या हो जाती है, दे। अब उसके बाद सेंटेंस की सहायक क्रिया क्या है, हैड, क्या है, हैड। अब वर्ड आ रहा है नहीं, नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, नॉट, दे हैड नॉट। पीने की इंग्लिश क्या होती है भाई, शराब, मदिरा माने समझ में आ रहा है ना, मदिरा माने शराब की बात की जा रही है, तो दे हैड नॉट। पीने की इंग्लिश क्या होती है आपको पता है ना, ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, दे हैड नॉट ड्रंक।
क्या मदिरा, मदिरा को हम क्या बोल सकते हैं, वाइन। दे हैड नॉट ड्रंक वाइन कहां पर, इन मार्केट, इन मार्केट। जैसे क्या क्या माँ मेरे लिए भोजन बना चुकी है, बना चुकी, हमने कहा भैया चुकी है तो चुकी है की बात करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, तुरंत एक सीढ़ी ऊपर निकल जाओगे, कहां पे, प्रेजेंट में। हमको पढ़ना क्या है, पास्ट पढ़ना है, तो चुकी थी बताइएगा क्या हो जाएगा, क्या माँ मेरे लिए भोजन बना चुकी थी, तो कौन बनाया था, मम्मी। लेकिन समस्या क्या है, क्या आया है पहले, जब क्या वाक्य में पहले आता है तो हम इसकी अंग्रेजी न लिख करके वाक्य को सबसे पहले सहायक क्रिया से शुरू करते हैं, और सहायक क्रिया क्या है, हैड, क्या है, हैड। फिर बनाने वाला कौन है, मदर, हैड मदर। उसके बाद क्या है, बनाना, क्या बनाई है, भोजन, बनाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, हैज मदर कुक्ड, क्या बना रही है, फूड, हैज मदर कुक्ड फूड किसके लिए, फॉर मी, ठीक है। जैसे माली ताजे फूलों की माला क्यों नहीं बनाया था, ओके गाइस, माली ताजे फूलों की माला क्यों नहीं बनाया था, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्यों होता है, हम क्यों को लिखेंगे तो हो जाएगा वाई, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर कौन बनाया है, गार्डनर, वाई हैड गार्डनर, फिर नॉट, बनाने की इंग्लिश मेक, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, वाई हैड गार्डनर नॉट मेड, क्या बनाया भैया, माला, माला को हम क्या बोलते हैं, गार्लैंड, क्या बोलते हैं, गार्लैंड, ठीक है। वाई हैड गार्डनर नॉट मेड गार्लैंड किसका बना रहा है, ताजे फूलों का, ऑफ फ्रेश फ्लावर, इज दैट क्लियर, आई होप दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर ना, दैट्स गुड, जस्ट गिव अ गुड रिप्लाई मैन एज यू आर सिटिंग एज अ आइडल, ऐसे लगता है इसे शरीर में कुछ जान ही नहीं है, पढ़ाई करते समय एक एनर्जेटिक पावर होना चाहिए आपके अंदर, एक उत्साह होना चाहिए कि नाउ जस्ट वी आर डूइंग समथिंग वेल, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी अच्छा काम करना है, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं हुआ, खुशी नहीं हुई, उमंग नहीं हुई ना, तो उसे करने में मन नहीं लगता। तो सबसे पहले आप कोई काम करने लगो तो अपने आप पर विश्वास करो कि आई कैन डू एंड आई एम जस्ट ग्लैड टू डू इट, उसे करके मुझे खुशी होने वाली है, उस फीलिंग के साथ उस पर फाइट करना शुरू करो, तो दैट विल डेफिनेटली स्ट्रक इन योर ब्रेन। सो ऑलवेज बी एक्टिव, बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, कुछ करना है तो एक्साइट रहो, उत्तेजित रहो कि मुझे कुछ नए तरीके से करना है, सबसे अलग करना है, और आप कर सकते हो। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आपको पढ़ते समय, कोई चीज तैयार करते समय अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। मैंने कहा ना कि जस्ट रीड इट, आई एम जस्ट विथ यू, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जस्ट send a message in comment box in your own channel top 10 classes and definitely it's my promise if you will be eager to do and I will get you perfect speaker and perfect writers so now since then we will meet in next video since then we have to say that goodbye and good afternoon